एक केस के बारे में इंक्वायरी करनी है। चला। किस केस में सर? पुलिस स्टेशन चलो, बताते हैं। ए अरविंद, ए तू चौकी में आ जा। अरे अरविंद को यहाँ लाया गया क्या? यहाँ तो नहीं लाया उसे। 001 आपकी गाड़ी है ना? हाँ है तो। उसी में उसे लाए सर। ओहो, कहीं बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया वो? बोलो। तुमने खुद देखा है? हाँ देखा है सर, वो सिविल में नहीं थे, यूनिफॉर्म में थे सब के सब। तुम पुलिस स्टेशन गए थे? गया था सर, वहाँ के हेड कांस्टेबल ने कहा वो लोग उसे वहाँ लेकर नहीं आए। पहले हम मिसिंग की एक कंप्लेंट फाइल करेंगे। एक आदमी लापता है, कम से कम आप कंप्लेंट तो दर्ज करेंगे। सारे ऑफिसर एक जैसे नहीं होते सर। माधुर, वो मिसिंग केस था ना अरविंद स्वामी का, जिसे किसी ने मारकर फेंक दिया था और अभी हॉस्पिटल में है। पता करो कि होश में आया कि नहीं, इंक्वायरी करनी है। फोन लगाओ ना राव जी। इन्हें किसने मारकर फेंका यह हमें इंक्वायरी करनी है। तुम जरा बाहर जाओ। सुना नहीं आपने? जाइए बाहर। सर ये हैं यहाँ के डॉक्टर। राव जी सबको बाहर निकालो और दरवाजा बंद कर दो। बाहर निकलिए, चलिए। चलिए। मैडम आप भी बाहर चलिए। राव जी इनका बयान लिखो। हेलो हेलो, तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने की बोलो? आप ही ने सर। राव जी ये नहीं लिखना है, काटो इसे। लगता है अभी तक हाथ से सुधरा नहीं, कंफ्यूज्ड है बेचारा। डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे इसे? आई थिंक 10 to 15 डेज ही विल बी ऑलराइट। गेट वेल सून ब्रदर, अगली बार सोच समझ के जवाब देना। बाय। अनिल सर ज्यादा बोलेगा ना तो अंदर कर दूंगा। इसकी जान को यहां खतरा है, इसे कहीं दूर लेकर जाओ भाई, वरना ये मारा जाएगा। तू जा यहां से, कहीं दूर चला जा, इसे भी अपने साथ ले जा, कहीं दूर इससे शादी करके सुकून से अपनी जिंदगी जी। जा, माना तेरी ईमानदारी इंसानियत इसी देश की दी हुई एक धरोहर है, लेकिन आज इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल यहाँ इंसान के अंदर इंसानियत बची ही नहीं है। बचपन में घर वाले स्कूल में भेजते हैं, गलत बात से दूर रखते हैं, किसी से गलत बात करने से रोकते हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो कहकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आज की सोसाइटी इतनी बिगड़ चुकी है सच्चाई का यहाँ गला काटा जाता है। हमारे माँ बाप की दी हुई सीख को भूल जाना चाहिए, हमारे लिए यही अच्छा है।
तभी तो विदेशी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बात की जरा सी भी तेरे दिल में इज्जत है तो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। क्यों चला जाऊं? क्योंकि तू अनफिट है इस सोसाइटी के लिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। कौन कहता है कि तूने गुनाह किया है? पर यही सबसे बड़ा गुनाह है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर तू बहुत महान बनना चाहता है, लेकिन तेरी इस सोच से दुनिया नहीं चलती है। समस्या मेरे अकेले की है तो मुझे ही इसका सामना करना होगा। किस समस्या की बात कर रहा तू? किस समस्या की? सबको कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। सिस्टम से लड़ने की ताकत नहीं है हमारे पास। तेरे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तू है, बस। छोटी सी बात ने तूफान खड़ा कर दिया, यहाँ तक इंक्वायरी बैठ गई, तुझे मारकर फेंक दिया गया। दूसरी इंक्वायरी का रास्ता मत निकाल दोस्त, तेरी भलाई के लिए तुझे समझा रहा हूं। तू चाहता है कि मैं डर के यहां से भाग जाऊं? मेरे बाप, तुझे भागने के लिए नहीं कह रहा हूं, कहीं दूर सुकून से जीने के लिए कह रहा हूं। नहीं जाऊंगा। तू मर जाएगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सुनो, मैं काफी देर से सुन रहा हूं, तुम ना समझी जैसी बातें कर रहे हो। ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर सब गलत है, कदम कदम पर करप्शन है। क्या करें, इस देश में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना काम निकालने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत ना दी हो, सब देते हैं। मेरी लाइफ में आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीनी है तो मेरी बात मानो, वरना हर कदम पर ये प्रॉब्लम्स तुम्हारा पीछा करती रहेंगे। मंदिर में जाकर तुम पूजा करते हो ना, वहाँ भी तुम्हें पुजारी को 501 रुपए दक्षिणा में देने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सपोज करप्शन, ऐसा कहते हुए कुछ लोग सामने आए थे 2004 में गुजरात के अंदर। उनमें से सिर्फ 4 लोग बचे हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी सारी जानकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई। उल्टा 2 के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू हुआ। जानते हो वो शख्स कौन थे? हमारे देश के भूतपूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम और सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर खरी। पूरा देश उस वक्त स्तब्ध रह गया था। नेक्स्ट डे सारे देश में हल्ला मच गया। इतना ही नहीं, हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के जीवन काल में उनका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया था 2002 में। बताने के लिए ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, नकली IAS, नकली IPS, नकली डॉक्टर, नकली लॉयर, यहाँ तक कि नकली हस्बैंड और नकली वाइफ तक मिलेंगे, जो असली से कहीं ज्यादा असली नजर आते हैं। रोड पे चलने वाली किसी भी औरत को अपनी वाइफ बताकर डिवोर्स लेने वाले यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये बात पता है तुम्हें? देश की रक्षा करने वाले डिफेंस से लेकर देश को बर्बाद करने वाले अल्कोहलिज्म तक हर जगह पर करप्शन है। हर चीज को हम जानते हैं लेकिन फिर भी अनजान बने हुए हैं। हमें ऐसे ही जीना पड़ रहा है। खून से लेकर मारपीट से लेकर समझौते से लेकर मोर्चे से लेकर पढ़ाई से लेकर धोखे से लेकर गद्दारी से लेकर काम को बनाने और काम को बिगाड़ने से लेकर रूल्स को तोड़ने के लिए भी हर एक का रेट बंधा हुआ है। सारे सौदे पैसे से तय होते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दो। एडजस्ट करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पैसे खिलाने हैं ना, तो फिर ठीक है, खिलाऊंगा। मेरी गलती होने पर मुझे सजा दे दो तो कोई कम नहीं, लेकिन गलत के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। वक्त बदलेगा, देखते रहो। मुझे डर लग रहा है। क्यों डर रही हो? हाँ, डरना तो उन्हें चाहिए जो गुनाह करते हैं। हम इंसानों को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई से लड़ते हुए मौत भी आ जाए तो उस दिन मौत को गले लगाने के लिए मैं जरा सा भी नहीं डरूंगा। जिद में मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? तुम सुकून से नहीं जी सकते क्या? ये तुम्हारा स्वार्थ कह रहा है। ठीक है, ये मेरा स्वार्थ ही है। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, वो भी खुश रहकर, और कुछ नहीं। स्वार्थ? तुम्हारे घर वाले जहाँ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं वहां तुम कर सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे तुम भूल जाओ बस। मतलब मैं सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अगर बच गया तो ठीक है, वरना मुझे भूल जाना। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं? जाओ, मेरे पास वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है और इस रास्ते पर मैं किसी को घसीटना नहीं चाहता। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बस तुम्हारी चाहत छोड़कर। प्रेमी बदल देना या किसी को भूल जाना बहुत ईजी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत झूठी है? तुम कहना क्या चाहते हो? Tell the truth boldly, whether it hurts or not. कमजोर पर अत्याचार मत करो। अगर सच का साथ देने पर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो जाने दो उसे। The sooner, the better. तुम कहाँ जा रही हो? इंदू, इंदू, जाने दे उसे। तू तो मेरे साथ है ना? सर, आप मेरे साथ हैं या नहीं? तुम जो कह रहे हो वो उतना इजी नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं करके दिखाऊंगा सर। मेरा साथ देने के लिए गद्दारों की जरूरत नहीं, अच्छे लोग चाहिए। हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं वो राजनेता नहीं सर, आजाद सिपाही लोग हैं। देश के नेता लोग तो इस देश को बेचना चाहते हैं। आज की डेट में ईमानदार नेता लोग तो सिर्फ लाइब्रेरी में तस्वीर बनकर रह गए हैं। आज उनकी इज्जत कहाँ की जाती है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। नेता जब हमारे घर के सामने वोट मांगने आते हैं तो हम उन्हें वोट कर देते हैं, वो इस उम्मीद में कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। जीतने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं? वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं? सर, सरकार तो सिर्फ 5 साल ही रहती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी वो तो कुर्सी पकड़े ही रहता है ना। आप ही बताइए, क्या वो अपना काम ईमानदारी से करता है? सर, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों की जरूरत होती है,
लेकिन बड़े बड़े नेताओं का रिश्तेदारों ऐसा कहकर ये वाहियात इंसान ईमानदार लोगों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं सर। आप ही बताइए ये कहां का इंसाफ है सर। लेकिन मैं ईमानदार लोगों को अपने साथ लेकर ये जंग जरूर लड़ूंगा सर। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक फीलिंग सता रही है, मेरा साथ कौन कौन देगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंसाफ के लिए किसी ना किसी को तो कदम उठाना ही है। ये एक जुनून है जो ताकत देगा, मेरी हिम्मत बढ़ाएगा, वही ताकत मुझे हारने नहीं देगी, वही मेरा हथियार होगा। ये किस लिए भाई? ले लीजिए सर, बात करनी है। तुम्हारे चाय का पैसा तुम दोगे, मेरे चाय का पैसा मैं दूंगा, ओके? ये पेपर सही नहीं है, मैं साइन नहीं करूंगा। सर मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। गुंडों के जरिए कब्जा करके उसे अपनी प्रॉपर्टी बताकर एक प्राइवेट संस्था के साथ सौदा किया गया, उस पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसा मीडिया का कहना है, इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं यहाँ चली आई। आपको डर नहीं लगता? बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना अगर हम डरने लगे तो। मैंने हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया था और पुलिस को भी ये बात बताई थी, लेकिन वो वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचे। वो इसलिए क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि ये काम किसने किया है। चाहे किसी के भी जरिए क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को करप्ट साबित करने की सच्चाई हमारे सामने आई है और इस बात की हमें खुशी हुई है। ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी हमारे देश में सैकड़ों की तादाद में है। देश की जनता घबराई हुई है, उनके हौसलों को बढ़ाकर उनकी इंसानियत को जगाना यही इस प्रोग्राम का मकसद है, जिसका नाम है आम आदमी का फैसला। 32 साल की सर्विस सर, और 99 बार ट्रांसफर हो चुका है। रिटायरमेंट तक सेंचुरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चला जाऊंगा, लेकिन बदनामी का सहरा मैं अपने सिर पर नहीं बांधूंगा, कतई बेमानी नहीं करूंगा। नौकरी मिलते ही इंसानियत का गला घोंट देते हैं सब लोग, जिसे भी मौका मिलता है लूट खसोट में जुट जाता है। हमारी जिंदगी फुटबॉल की तरह हो गई है, पता है हम जहां भी जाते हैं वहां लात ही पड़ती है। सर मेरी इकलौती औलाद है सर, उसे स्कूल से ही किडनैप कर लिया गया, उन लोगों को जरा भी रहम नहीं आई, मेरे इकलौते बेटे को मार डाला।